वहीं अगली खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में 14,72,996 वोटर्स हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराना हो और जिले में मतदान केंद्र हैं जिनमें 743 बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जाएगी। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। देखिए, कोटा जो लोकसभा क्षेत्र है उसका सेकंड फेज में इलेक्शन कमीशन ऑनरेबल कमीशन ने डिक्लेयर किया है, उसके हिसाब से 28 मार्च को हमारा नोटिफिकेशन जारी होगा। लास्ट डेट ऑफ जो नॉमिनेशन है वो हमारा 4 अप्रैल को रहेगा, स्क्रूटनी 5 अप्रैल को होगी और विड्रॉल के लिए जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल है। हमारा जो पोलिंग होगी वो 26 अप्रैल को होगी और मैं आपके माध्यम से हमारे जो कोटा जिले के अंदर 1485 बूथ हैं ऑक्सिलरी सहित और 8 फरवरी के हिसाब से कुल 14 लाख और लगभग 15 लाख के आसपास वोटर हैं और मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि बड़ी संख्या में वो बाहर आएं और इस दिन आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव है। तो इसमें बड़ी संख्या में बाहर आके और जो हमारा विधानसभा चुनाव में वोटिंग हुआ उससे भी ज़्यादा वोट हम करें, ऐसा हम लक्ष्य लेके आगे।